हेलो यूट्यूब साथियों, नमस्कार, कैसे हो? बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि आप अपनी बेटी की फुल वीडियो दिखाओ शादी की। तो अब मैं एक एक करके आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी शादी की, शुरू से लास्ट तक। आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। शुभ काम की शुरुआत हम अपने मंदिर से करते हैं। ये हमारा खुद का अपना देवी का मंदिर है। तो मेरी बेटी गई है प्रसाद चढ़ाने, माता रानी का आशीर्वाद लेने। 3 दिन पहले ही हमने कार्यकरों को घर में ही बुला लिया था। तो अब ये मिठाई बन रही है और लड्डू और से मटरी जो भी है, मैंने सारी मिठाइयाँ घर में ही बनाई शादी में। ये देखो, फिर मैं भी गई, मैंने कहा मैं भी सीखती हूँ मिठाई बनानी। ये देखो बूंदी बना रही हूँ मैं भी इनके साथ, थोड़ा मैंने भी मिठाई बनाना सीखा इनके साथ। मैंने कहा चलो आज मैं भी सीख लो थोड़ा। फिर भी मिला के रखा था इन्होंने, छन्नी में डाल के बूंदी बनाई है। ये देखो, अब शाम को हमारे वहाँ सुकून होता है पतंग लगाने का, तो बच्चे अब वो पतंग को लगा रहे हैं। ये लगाना भी शुभ होता है। फिर मेरी बहनें आए थे, एक बहन मेरी देहरादून से आई थी, तो उन लोगों ने कहा चलो हम थोड़ा डांस ही सीखते हैं। तो हम लोग डांस ही सीखने लगे, महिला संगीत की तैयारी करने लग गए। उसके बाद हमने, अब मिठाई बन चुकी थी, पूरी सेट हो चुकी थी, तो हमने महिला संगीत के लड्डू के डिब्बे पैक कर रहे हैं हम लोग। ये काफ़ी मिठाई पैक करनी थी हमको, पूरा दिन लग गया मिठाई पैक करने में। मिठाई पैक करने के बाद हमने कहा कल को तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, हम मेहंदी भी आज ही लगा लेते हैं। तो हमने पहले दिन ही, हल्दी के पहले दिन ने रात को हमने अपनी मेहंदियाँ लगा ली थी हाथ में। ये देखो मेहंदियाँ सबकी रच चुकी हैं। मेरी मामा की बेटी आई थी, मेरी बहन, उसने और हमारी बहू ने मेहंदी लगाई। देखो अब मेरी मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी मेरी मेहंदी आप बताना ज़रूर। अब हमारे डेकोरेशन वाले 4-5 दिन पहले से आ चुके थे, 4-5 दिन लग गया इनको पूरा डेकोरेशन करने में। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो कैसा हो रहा है डेकोरेशन। हमारे कुमाऊँ में काम के शुरुआत में गेरू का बहुत शुभ माना जाता है, तो गेरू लगाना ज़रूर होता है। ये हमारी समधन है। ये देखो, पहले इन्होंने मंदिर में लगाया, फिर गेट में लगाया, उसके बाद फिर तुलसी में भी गेरू लगाया, क्योंकि इसी, ये ज़रूर ही लगाना पड़ता है, हमारे वहाँ शुभ माना जाता है। चाहे तुम पेंट लगाओ, कुछ भी करो, तो गेरू को जरूर लगाना पड़ता है। तो गेरू सूखने के बाद चावल के आटे का फिर ऐपर दिया जाता है, चावल को भिगा के पीसा जाता है, उससे फिर ऐपर होता है। मैं और मेरी बहन चावल के आटे से ऐपर दे रहे हैं। अब देखो, अब लगभग पूरा डेकोरेशन तैयार हो चुका है। ये आपको दिखा रही हूँ, कैसा लगा आपको हमारा डेकोरेशन।
आपको डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आगे वीडियो के लिए बने रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।